विकास दिव्यकृति, दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग के सबसे प्रसिद्ध आईएएस प्रशिक्षक, लेखक, संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। छात्र के भविष्य के प्रति उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण लोग उन्हें अब्दुल कलाम की तरह मानते हैं। वह बहुत सहयोगी शिक्षक हैं, क्योंकि उनमें नेतृत्व करने और पढ़ाने की बहुत अनोखी प्रतिभा है। वह अपनी कड़ी मेहनत के कारण दुनिया के खजाने वाले व्यक्तियों में से हैं। तो आइए आज जानते हैं विकास दिव्यकृति सर के विचार। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए दुनिया एक भी सेकंड रुकने वाली है। आपको अगर किसी से नाराजगी है तो उससे दुश्मनी मत कीजिए, उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। सबसे अच्छा है उसे इग्नोर कीजिए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ज्ञान के वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आपको लगे कि जिंदगी खराब है तो श्मशान घाट चले जाइए या कुछ घंटों के लिए ट्रमा सेंटर चले जाइए, वहां आपको मोटिवेशन आ जाएगा। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। जिंदगी आईने की तरह होती है, आप मुस्कुरा के तो देखिए वो भी मुस्कुरा देगी। जब इमोशन आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी हो तो बड़ा फैसला करने से बचना चाहिए। अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं अपने फैसलों से। हमारे पास जो है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। जो आदमी लिमिट में रहता है वो लिमिट में ही रह जाता है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। दुनिया की चकाचौंध में हम खुद से बात करना भूल जाते हैं। हर दिन कुछ समय अपने आप से बात करने के लिए निकालें। आप कम से कम एक दो अच्छे दोस्त रखिए जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा रख सकते हैं, और उतना ही भरोसा आप भी निभाइए। इस छोटी सी दुनिया में अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए वह गलती मानता नहीं है। जीवन छोटा है और इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो मेरे व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। मूर्खों के लक्षण यह है कि वह अनावश्यक चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, काम की बातों पर नहीं लगाते। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, इससे आदमी के पैर जमीन पर रहते हैं। खुश रहने की वजह ढूंढनी पड़ेगी जिंदगी में, वो कोई और आपको देगा नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब है दो चीजों से कनेक्ट रहना, एक अपने आप से और दूसरा संसार से। अधूरेपन से लड़ते लड़ते अधूरेपन को कम करना ही जिंदगी है। जो आपको नहीं मिलेगा वो हमेशा आपको बड़ा दिखेगा। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वे होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी। अगर आप हमेशा अहंकार से भरे रहते हैं तो फिर इस दुनिया में आपके लिए सीखने को कुछ भी नहीं है। ईश्वर है या नहीं यह कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, और उनके नहीं जानने से यह तय नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। इससे नास्तिकता उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितना कि यह दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूं। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर मेहनत की तो एक बेहतर इंसान बन जाओगे और जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे। भारत में नौकरी केवल एक ही है आईएएस, बाकी सब नौकरियां हैं। विकास दिव्यकृति सर के विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।